की खवातीन है, क्या वो इंडिया के अंदर जाके जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए या कहीं और अप्लाई कर सकती हैं? लाइक वी आर पार्ट ऑफ इंडिया, आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि कश्मीर से इंडिया जाती है, वो हर कहीं अपने कंट्री में घूम सकती है। यहाँ तो किसी के माइंड में ऐसा नहीं है, बट आई डोंट नो आपको क्या दिखाया जा रहा है उनको। तो इनफैक्ट समबडी आस्क्ड मी, आप लोग को वहाँ पे खाना मिलता है, एंड आई वाज लाइक आर्ट एक का आप लोग को प्रॉब्लम है, हमने क्या किया? जाहिर है पाकिस्तान हर चीज को अगर मसला है कश्मीर की ऐनक से देखेगा तो वो देख देख के पहले ही जो है वो अपनी आंखों को अंधा कर चुका है। वी हैव एवरीथिंग हियर, यू नेम इट आई विल टेल यू। एंड मजे की बात ये है जो पाकिस्तानी एक अलग सा नैरेटिव बना के दिखा रहे हैं, बट जो उन्होंने ऑलरेडी मकबूजा कश्मीर रखा हुआ है वहाँ पे जो ऑप्रेस कर रहे लोगों को उस पर बात नहीं कर रहे। हम तो मार गए, हम तो खुदा की कसम इस हालात में पहुँच के हम मोदी का नारा लगाएंगे, हम इस हालात में पहुँच गए, ये हुकूमत है। कभी कभी पाकिस्तान के लिए भी दुआ कर दिया करे। हमारे ख्याल तो काफी अच्छे है, ये आई थिंक हमारे खून में है, पूरे भारत में है। पाकिस्तान की तरफ से तो खैर कोई खास हमें हैरत नहीं है कि इस किस्म के स्टेटमेंट्स आती रहती हैं और आप जानते ही हैं। तो आपको नहीं लगता कि हेट कहीं ना कहीं दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी परसेंटेज ऐड हो रही होती है? आप अब ये क्वेश्चन नहीं कर सकते बिकॉज राइट नाउ आपके बुक्स में ये पढ़ाया जाता है कि मुसलमानों को हिंदुओं ने मारा। हमारे साथ इंडिया के कश्मीर से एक बहुत ही क्यूट सी गेस्ट मुंतहा मौजूद हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। अच्छा मुंतहा, मुझे इनको लगता है कि वहाँ खवातीन छोड़ो मर्द भी सेफ नहीं है और उनको भी राइट्स नहीं दिए जाते उनके, और चीजें जो है ना, जब आप लोग ऐसी कोई बात पाकिस्तान की जानिब से सुनते हो तो बीइंग अ कश्मीरी क्या वाइब आती है, क्या फीलिंग आती है यार, इनको कैसे जवाब दें, कैसे बताएं इनको? हम लोग को जवाब देने की जरूरत नहीं है, दे कैन सर्च एवरीथिंग अबाउट कश्मीर एंड दे विल सी कि यहाँ पे कितने सारे हमारे प्लेयर्स हैं, कितने सारे हमारे डॉक्टर्स इंजीनियर्स हैं, दे आर लाइक हैप्पी हेयर और सब कुछ अच्छे से जा रहा है। इन कश्मीर वी हैव सो मेनी एंटरप्रेन्योर्स, उसके बावजूद गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास काफ़ी सारी स्कीम्स आ रही है, साथ साथ दे आर प्रोवाइडिंग अस द लोन्स। ओवरऑल जो यहाँ पे काम हो रहा है कश्मीर में फॉर वीमेन एम्पावरमेंट वो भी काबिले तारीफ है, हम बहुत अच्छा फ्यूचर देख रहे हैं, फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं। तो आई डोंट थिंक इसका कोई स्कोप बनता है बोलने का कि यहाँ पे वी डोंट हैव एनी राइट्स और एनीथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उनको जवाब आई थिंक देना जरूरी नहीं है बिकॉज उनका काम ही है ये सब फैलाना। अच्छा मुंतहा, जो कश्मीर की वहाँ पे स्पेसिफिकली सिर्फ कश्मीर की खवातीन है, क्या वो इंडिया के अंदर जाके जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए या कहीं और अप्लाई कर सकती हैं? वो हर कहीं अपने कंट्री में घूम सकती है, लाइक वी आर पार्ट ऑफ इंडिया, मैं हमेशा ये बोलती हूँ, तो ऐसा क्यों है? पहला आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि कश्मीर से इंडिया जाती है, यहाँ तो किसी के माइंड में ऐसा नहीं है, बट आई डोंट नो आपको क्या दिखाया जा रहा है, तो उस हिसाब से मैं बोलूँगी। आई वॉन्ट टू क्लियर हेयर, जैसे बाकी स्टेट्स में लोग रह रहे हैं वैसे हम भी हैं, इनफैक्ट हमारे पास तो कश्मीर के पास बाकी स्टेट्स से ज़्यादा फंडिंग है, तो अब आप खुद सोचिए कश्मीर कितना आगे जा रहा होगा। वी हैव everything here, you name it I'll tell you, so how can we just say we don't have anything here? Kashmiri to bas aise hi zinda hai wahan pe apne haq ke liye lad rahe hai unko, to in fact somebody asked me aap log ko wahan pe khana milta hai, and I was like art ek ka aap log ko problem hai, humne kya kiya? Acha so and maze ki baat ye hai jo pakistani ek alag sa narrative bana ke dikha rahe hai, but jo उन्होंने ऑलरेडी मकबूजा कश्मीर रखा हुआ है उस पर काम नहीं कर रहे, वहाँ पे जो ऑप्रेस कर रहे लोगों को, वहाँ पे जो औरतें उनको हकूक नहीं मिल रहे उस पर बात नहीं कर रहे, एंड यू आर जस्ट सेइंग कि हम लोग इंडिया के साथ खुश नहीं है। कभी कभी पाकिस्तान के लिए भी दुआ कर दिया करें, आप लोगों के पड़ोस में रहते हैं, ख्याल अच्छे रखने चाहिए। हमारे ख्याल तो काफी अच्छे है, आप हमें 1% दे तो हम 100 देने को तैयार है, ये आई थिंक हमारे खून में है, पूरे भारत में है। तो आपको नहीं लगता कि हेट कहीं ना कहीं दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी परसेंटेज ऐड हो रही होती है? आई टेल यू वन थिंग, हमेशा पाकिस्तान आग लगाने वाला क्यों है? ये किसने कहा कि पहले हम पाकिस्तान करता है? देखिए आप अब ये नहीं, ये क्वेश्चन नहीं कर सकते बिकॉज यू आर द वन राइट नाउ, आपके बुक्स में ये पढ़ाया जाता है कि मुसलमानों को हिंदुओं ने मारा और इंडिया ने कश्मीर को खींचा, जबकि 1947 में आप पाकिस्तान तो खुद भारत से निकला हुआ है,
तो ये सब आप पढ़ा रहे हो? मेरी बात सुने, हाँ मैं इस सारी चीज को एग्री करती हूँ। अब हम टेक्स्ट बुक्स नहीं बदल सकते, मगर अगर जनरल पब्लिक की बात करें ना तो देखिए, आपकी हुकूमत इतनी तंग क्यों है कि आप अपने टेक्स्ट बुक नहीं बदल सकते? That means आपके यहाँ पे citizens या youth काफी कम है जो गलत के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, और जहाँ पे गलत के खिलाफ आवाज उठाने वाले बहुत कम है तो उस मुल्क से ही पहल हो सकती है चिंगारी की। जाहिर है पाकिस्तान हर चीज को अगर मसलाए कश्मीर की ऐनक से देखेगा तो वो देख देख के पहले ही जो है वो अपनी आंखों को अंधा कर चुका है। वो पुरानी कहानी आपने पढ़ी हुई थी ना कि एक बुढ़िया जो है रोती रहती थी तो रो रो के उसके सारे आंसू जाया होके उसकी नज़र चली गई थी। तो वो आप इतना रोएं कि आपको अपना मकसद ही सामने नज़र ना आए कि आपको भूल ही गया कि कश्मीर का नक्शा कहाँ है, लेकिन इस पे फड़ा हमने आखिर तक जारी रखना। तो वो जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वाली बात हो गई कि हम 1000 साल तक लड़ेंगे, घास खा लेंगे, अपनी लीडरशिप कायम करेंगे, वो एकड़ी तो ख़त्म हो गई। आप ना अब घास खा सकते हैं, सिर्फ आप घास खरीदने के लिए 6 महीने से IMF के सामने पूरी कौम को आपने हाथ बांधा के खड़ा किया हुआ है। तो जिस कौम का ये हालत हो जाए कि वो अपनी इज्जत और बेइज्जती जो है उसको भी फील ना कर सके कि हमने ये तमाशा क्या लगाया हुआ है, और जब बात इंडिया की आए तो एकदम जो है तीरो तफंग लेके तो घोड़े पे चढ़ने की ख्वाहिश भी साथ में उभर जाएगी।